हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल पूनम सरका किचन में। आज हम बनाएंगे आलू मेथी, जो कि बनेगी बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी। आप मेरे तरीके से बना के देखिएगा, आपकी मेथी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए। ये हमने आलू बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिए हैं। ये हमने दो बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और ये है हमारी मेथी। इतनी मेथी के लिए हमें दो बड़े आलू लिए हैं हमने। ये दोनों चीज़ें कम ज़्यादा आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। अब हम मेथी को अच्छे से छोटी छोटी बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। आप देखिए मैं किस तरह से काटती हूँ। मेथी के जो भी बड़ी डंडियाँ थी वो हमने सब तोड़ दिया है, अदरवाइज़ उनकी वजह से ही हमारी मेथी में जो है कड़वापन आता है। ये देखिए हमने सारी मोटी डंडियाँ इसकी निकाल दी है और अब हम इसे बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। इस तरह से आपको काटना है, बहुत ज़्यादा बड़ा आपको नहीं काटना है। हम मेथी को बिल्कुल छोटा छोटा काट लेंगे। आप चॉपिंग बोर्ड पे चॉप करना चाहते हैं तो आप उस पर कर सकते हैं अच्छे से, लेकिन मैं ऐसे ही चॉप करती हूँ। तो ये देखिए हमने सारी मेथी को इसी तरह से बारीक बारीक अच्छे से काट लिया है। मेथी को अच्छे से धोना होता है, उसमें कोई भी किरकिरापन नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है उसको धोने में, लेकिन हमारी सब्जी का टेस्ट ख़राब नहीं होता है। ये देखिए कितना बारीक बारीक हमने इसको काट लिया है। इसी तरह से आपको सारी मेथी काट के रेडी कर लेनी है। अब हम शुरू करेंगे बनाना हमारी आलू मेथी। मैंने ले लिया है तेल, इसमें डाला है मैंने जीरा। जैसे ही हमारा जीरा भुन जाएगा थोड़ा, अब हम इसमें डाल देंगे एक तेज़पत्ता, एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और ये हमने मिर्ची को बीच से कट करके डाल दिया है। हमने एक डेढ़ मिर्ची डाल दी है। अब हम इसको एक बार थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इनको हम ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे प्याज से ढक देंगे और थोड़ी देर पकने देंगे। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है हमारे पेस्ट की। तो ये देखिए हमारी प्याज ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुकी है। मैंने थोड़ा सा और पकाएंगे, इसे पकाने में हमें 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। अब हम डाल देंगे इसमें टमाटर और टमाटर को हम अच्छे से चला देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 2 छोटी चम्मच, मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। अगर आप बड़ी चम्मच डाल रहे हैं तो 1 चम्मच डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करके अब हम इसे टमाटर को गलने के लिए ढक देंगे। ये देखिए हमने इसे ढक दिया 2 से 3 मिनट के लिए और टमाटर हमारे गल चुके हैं। जो भी बचे हैं उन्हें अच्छे से हम प्रेस करके इनका पेस्ट बना लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारे आलू, जो कि हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट के, आलू को हमें बड़े बड़े टुकड़ों में काटना है, बारीक नहीं काटना है। इससे हमारी आलू मेथी बहुत अच्छी लगती है। इसी तरह से आप भी इसे बनाइएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसे हम ढक के रख देंगे कुछ टाइम के लिए। ये हमें लगेगा कम से कम 7 से 8 मिनट मीडियम गैस पर और बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे कि आलू हमारे गले हैं या नहीं गले हैं और हमारी सब्जी नीचे ना चिपक जाए। अब हम बीच में इसमें डाल देंगे 1 साबुत लाल मिर्च के टुकड़े करके हमने डाल दिया है और 1 हरी मिर्च डाल दी है मैंने। अब इसमें डाल देंगे मसाले, 1/2 चम्मच हल्दी, 2 छोटे चम्मच मैंने डाला है लाल मिर्च, ये हमारी कश्मीरी मिर्च है, तीखी नहीं होती है। इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच धनिया पाउडर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये है हमारे नॉर्मल से मसाले और सब्जी बनेगी इतनी स्वादिष्ट, बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा स्वादिष्ट। आप कभी ट्राई करके देखिए, इस तरीके से आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो ये देखिए अब हम इसमें डाल देंगे हमारी मेथी। आलू हमारे ऑलरेडी गल चुके हैं 90%। थोड़ा सा हम इन्हें मेथी के साथ पकाएंगे और आलू हमारे बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें सारी मेथी डाल दी है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मेथी हमारी देखिए कितनी फाइन चॉप हुई है, इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स और फिर हम इसे ढक के 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे और सब्जी हमारी हो जाएगी बिल्कुल रेडी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आने वाली है और आपकी फैमिली में सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और ईजी रेसिपीज़ के लिए।
मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से और घर के बेसिक मसालों से बहुत ही टेस्टी खाना बनाना बताऊं। तो ये देखिए हमारी आलू मेथी बनके हो चुकी है रेडी। देखिए आलू हमारे बिल्कुल गल चुके हैं और ये सब्जी इतनी टेस्टी बनती है कि बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होती है इसमें। आप इसको इस तरीके से एक बार ट्राई करके देखिएगा। बस आपको मेथी के बड़े बड़े जो डंडी होती हैं वो तोड़ देने हैं, इसको बिल्कुल बारीक काटना है और अच्छे से धोना है, कोई मिट्टी नहीं होनी चाहिए। आलू को हम थोड़ा बड़ा काटेंगे, बाकी हमें कुछ भी नहीं करना है। मेथी हम लास्ट में डालेंगे जब हमारे आलू 90% गल चुके होंगे। तो बस बहुत ही छोटी चीज़ें और आपकी रेसिपी बनेगी बहुत ही अच्छी। तो आप भी बनाइए, खिलाइए सबको ये आलू मेथी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।